हेलो जी, मेरा नाम शफी और मेरे साथ रियान है। और मैं हूँ आपका दोस्त, वही पुराना यूट्यूबर रेहान अली। और हम लोग यहाँ पे आए हैं F10 मर्कज। आप लोगों ने जैसे आजकल देखा होगा फेसबुक पे, न्यूज़ पे बड़ी हाइप चल रही है। सरीन शर्मा की कुछ सीरियन बॉयज़ आए हुए यहाँ पे और शर्मा वगैरह बना रहे हैं। तो आज हम लोग टेस्ट वगैरह करने आए और आपको उसको रिव्यू वगैरह देते हैं। दो हम काफ़ी लेट है, 10 बजे है हमें, तो पहुँचते पहुँचते देखते क्या सीन है। अभी हमें मिल नहीं रहा, हम लोग ढूंढ रहे हैं, पहुँच के बताते हैं सीन आपको। अभी आप मुझे अपना कराची का बॉय मिला है तो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। आओ भाई, बताओ 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 यार। भाई मैं कराची से आया हूँ शोरमा खाने के लिए। और कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन पहली मरतबा इधर का मैंने खाना खाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सुना इस्लामाबाद के खाने मतलब उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, इस्लामाबाद कराची का फिट होता था। यहाँ पे कैसा लगा? इधर का अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। काफ़ी अलग है। हाँ, काफ़ी। We started like before 5 months. 5 months. Or is the rush ever start se hi hai? People start coming like before 1 week. Before we had customers, but not like this. So like, what's the difference between ordinary shawarma and your shawarma? Ordinary chicken. This one we have the Syrian, the original one. It's from the Syria. Yeah, that's it. Different sauces from the original one, or? No, only there is one sauce. Only one sauce? Yeah, in shawarma there is only one sauce. Or it's like the special one, or it's like the ordinary? There is, it's similar to garlic. It's garlic sauce, but it's made for shawarma. It's not like the other garlic sauce. It's different. It's special made for shawarma. So what's your time of opening and closing? We open like 6:30 to 7. 6:30. Yes. Now we are serving just chicken shawarma because we don't have time to make beef. And even like it's expensive. Even the chicken nowadays is expensive. How about the beef? Depends on the target audience, obviously. So yeah, I know, but now we are trying just to fulfill the orders of chicken. Then inshallah, when we made our own shop, then we will add beef. Even we have falafel now, but we can't serve it because of the shawarma, because of the orders of the shawarma. So the hype was same when you started, or it just came from the media? Yes. When you started, the hype was same, the people were coming like this? No. Before they thought it's simple shawarma, like the other. Okay. They didn't know. But the media explained for the people it's Arabic shawarma, Syrian, not like the Pakistani. Yeah, Syrian shawarma. So media is playing a positive role in promoting the good taste of Pakistan. Thankfully. Yeah. So thank you so much for the interview, sir. सीरियन जो है तीन टाइप का, एक होता है चिकन वाला जो मशीन में बनता है, और दूसरा जो है चाकुल वाला है, उसपे चिकन बारबेक्यू और बीफ बारबेक्यू डालते हैं हम लोग। उसके सिर्फ इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सिर्फ डिफरेंट ये है कि वो चाकुल में बनते हैं और ये जो है मशीन में बनता है। और रेट का जो चिकन का, दोनों चिकन 290 का है और बीफ जो है 340 का है। और इसके अलावा जो है हमारे पास प्लेटर्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटर्स है। स्पेशल प्लेटर जो है 2900 का है, और फुल प्लेटर जो है 1700 का है, और हाफ प्लेटर जो है 900 का है। वो हम लोग बनाते हैं, उसमें मिट्टी वाला, उसमें
मिट्टी वाला देखनी है उस पर बनाते हैं और ये सच्ची वगैरह है और इसके अलावा काबुली पुलाव है बहुत ज़्यादा ऑर्डर काबुली पुलाव का जो है 250 का है फुल प्लेट और सच्ची जो है 490 का है और ये यहाँ पे देखे जा रहे जहाँ पे ये बारबेक्यू वगैरह बना हुआ है चिकन का जो है 540 चिकन भी 540 अच्छा तो गाइस सीन ये कि हमने शॉर्मा नहीं खाया क्योंकि बहुत रश थी तो इस वजह से 2-3 घंटे तो ज़रूर लगते लेकिन हमारे अपने भी बहुत सारे काम हैं तो हमने शॉर्मा एक्चुअली हम लोग लेट गए थे तो वहाँ पे शॉर्मा ख़त्म भी हो गया था तो कह रहे थे कि अब जो सीन है आपने जैसे वीडियो में देखा था थोड़ा सा रह गया था जो भी लोफ था तो उन्होंने कहा था कि जो उनका जो ऑनर था जो बेसिकली जिसकी डॉक्यूमेंट आपने अपनी फेसबुक की डॉक्यूमेंट्री वगैरह में देखी है जो बेसिकली सीरियन गए तो उसने कहा था कि मैं सुबह से इंटरव्यूज वगैरह दे दे के थक गया हूँ तो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आप कल परसों आ जाए तो खैर उन भाई का इंटरव्यू नहीं हो सका लेकिन उनके जो बाकी सीरियन गए थे ताकि 3-4 मतलब है वापस सीरियन गए जो सारा काम कर रहे हैं तो उनका इंटरव्यू हमने एक उनमें से एक का रिकॉर्ड किया और एक आपने देखा होगा जो वहाँ पे एक रिसेप्शन पे जो होता है उस बंदे से भी हमने इंटरव्यू लिया और प्राइसेस वगैरह पूछी तो उसने बताई और काफ़ी रश होता है अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं खरीदते हैं वहाँ पे तो अगर आप टोकन लेते हैं आपको ऑलमोस्ट लगेगा कोई 2-3 घंटे लग जाते हैं बहुत ज़्यादा रश होता है 7 o'clock ओपन होता है उसके बाद ये मेरे ख्याल 12-1 तक जाता है लेकिन आज ये कि 10-10:30 बजे तक ख़त्म हो गया था कि बहुत रश था ताकि कल से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है हम जाएँगे लेकिन खाना दोबारा हम शॉर्मा खाने दोबारा जाएँगे लेकिन बहुत जल्दी आएंगे 7 बजे जैसे ही खुलता है उसी टाइम में आएंगे हाँ अगली क्वार हम कोशिश करेंगे टाइम लग जाते हैं तो शायद कल हम शायद दोबारा आए तो फिर भी उसका दोबारा इंटरव्यू ऑनर कर ले लें लेकिन देखते हैं क्या होता है तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ओवर एंड आउट